तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के बारे में चलिए आपके साथ दिखाते हैं कि रिलेशनशिप का आखिरी यूज क्या है। तो एक फाइल है, हम एक्सेल की उस फाइल को हम यहाँ पे देखते हैं। एक फाइल है, अब क्या है कि मेरे पास जो फाइल है उसमें डेटा कंप्लीट नहीं है। एक हमारा इसका है आपका कस्टमर का डेटा, दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा है सेल। अगर मैं कस्टमर के डेटा को ओपन करता हूं, यहां देखिए कस्टमर का डेटा दिख रहा है। तो कस्टमर का डेटा में क्या है कि इस लिस्ट ऑफ कस्टमर्स है कि उनकी आईडी क्या है और बेसिकली वो कहां कहां, उनके नाम के और किस सिटी के लिए। दूसरा मेरे पास एक प्रोडक्ट का लिस्ट है जिसमें डेटा है प्रोडक्ट का, उसमें बताया गया है कि हम किस किस कितने प्रोडक्ट को बेचते हैं, किस अमाउंट पे या किस एमआरपी पे। जी क्लियर है? अब बेसिकली मुझे अगला जो हमारा जो डेटा है वो सेल्स का डेटा है। अब सेल्स के डेटा पे क्या है कि हमारे पास सेल्स आईडी है, सीआईडी है, डेट सीआईडी है। अब सीआईडी कौन सी है? जो हमारे कस्टमर की आईडी है। और पीआईडी कौन सी है? जो हमारे प्रोडक्ट की आईडी है। सो नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द डेटा। किस तरह से डेटा कैलकुलेट करनी है? तो से सी देखो, मैंने एक सैंपल कैलकुलेशन रख रखा है। जी यहां पे देखिए एसआईडी में सेल्स ट्रांजैक्शन आईडी, डेट, सीआईडी माने कस्टमर की आईडी, कस्टमर आईडी, और उस कस्टमर की नेम एंड सिटी। ए नेम ऑन सिटी कहां से लिया? कस्टमर शीट से लिया गया है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट की प्रोडक्ट नेम कहां से लिया गया है? प्रोडक्ट शीट से लिया गया है। एंड इज द क्वांटिटी एंड अमाउंट कहां से लिया गया है? प्रोडक्ट शीट से लगाया गया है। फिर उनको मल्टीप्लाई करके यहां टोटल निकाला गया है, क्वांटिटी एंड अमाउंट को। फिर टैक्स टोटल निकाला गया है। ठीक है। तो अब इसके लिए तो मुझे एक सीट एक्सेल सीट पे चीज करना पड़ गया ना। लेकिन आप अगर बड़े बड़े डेटाबेस को या डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज यूज करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। सो आई वांट टू रिलेशनशिप इन द टैबलो। तो इसको मैं रिमूव करता हूं, मैं यहां पे सीट सेल्स को लेता हूं क्योंकि सेल्स हमारा मेन है। बाद हम यहां इसकी कस्टमर पे आते हैं। कस्टमर हम बोलते हैं यहां पे देखिए सेल, यहां पे आपका ज्वाइन डेटा सोर्स में आ गया, दिख रहा है आपको? तो यहां डेटा सोर्स है हमारा। तो डेटा सोर्स में हमने बोला कि सी आई डी इज कस्टमर की आई डी। ओके, तो यहां पे देखिए नेम आईडी, अब यहां पे नेम के बाद नेम और आईडी यहां आ गया और एस आईडी को यहां कर दिया, मैंने अपने हिसाब से उल्टा पुल्टा कर दिया इसने। तो उल्टा पुल्टा मुझे अपने हिसाब से रखना है इसको, एस आईडी को सबसे पहले रखना है। वो नहीं होता है, नेम के हिसाब से इसको अलग कर देता है। उसके बाद हम तीसरा लेते हैं प्रोडक्ट का। अच्छा जी जी, मुझे बताइए सर, जैसे एस आई डी है इसके सामने कस्टमर आईडी आ गया, सी आई डी आ गया ना, वन के सामने नेम को सॉर्ट कर दिया उसने, सॉर्ट कर देता है सर नेम को। अच्छा आईडी के आगे इसने सी आई डी कर दिया, बड़े डबल डबल कर दिया। एक बार देखेंगे आप, जैसे फर्स्ट कॉलम में हमारा फर्स्ट कॉलम में आईडी है सर, ये हमारे पास ओरिजिनल डेटा में एसआईडी था, सेल्स आईडी। जी हाँ, तो एसआईडी के सामने डबल डबल हो गया, ये इसने सीआईडी उसका भी उठा लिया, कस्टमर का भी सीआईडी उठा लिया, लिखा हुआ ना कस्टमर। तो मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ।
अच्छा अब देखिए एसआईडी के आगे इसने सीआईडी लगा दिया ना, एसआईडी तो एक जी एक के आगे थ्री है, वन के आगे थ्री है ना, ये एक के आगे एक ही होना चाहिए। आपने ये तो सेल्स का ट्रांजेक्शन आईडी है, ये तो यूनिक है, यूनिक है जी हाँ। और ये जो आपका है ये आपका रिपीटेड है, क्योंकि कस्टमर की आईडी है ना, जितनी बार सेल हुआ उतना बार आईडी है। जैसे मान लीजिए ना कि एक कविता को पीआईडी 369 क्वांटिटी भेजी गई, नहीं मुझे आप थोड़ा एक्सेल में दिखाएंगे, थोड़ा एक्सेल में करके दिखाएंगे, थोड़ा एग्जांपल देखिए आ जाएंगे, दिख रहा है आपको कंफ्यूजन है। एक मैं इसको रिमूव कर देता हूं, रुक जाइए रिमूव करता हूं मैं इसको, एक बार करता हूं रिमूव, फिर देखिए दिख रहा है आपको। हां जी ये आ गया मेरा डेटा ये है, तो ये आई ट्रांजैक्शन जो है इसके अकॉर्डिंग मैच नहीं किया है, इसने इसके अकॉर्डिंग नेम को उठाया है, नेम एंड सिटी ओके, कहां से तो कस्टमर से, कस्टमर से समझ गए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी हाँ जी हाँ। यहाँ पे कस्टमर को यहाँ रखता हूँ और इसमें बोलता हूँ कि भाई डेटा सोर्स की सीआईडी कस्टमर की टू आईडी है, हो गया। अब कस्टमर की आईडी होगी, कस्टमर की सीआईडी होगी, नहीं कस्टमर में आईडी दिया हुआ है, सीआईडी नहीं। अच्छा कस्टमर में आईडी है, अच्छा ठीक है समझ गया सर, राइट राइट राइट। अब यहाँ पे देखिए फील्ड में आईडी नेम इस तो दे दिया, तो मैं क्या करता हूँ इसको ये जो यहाँ पे ये जो आपका आता है ना आपका फील्ड सिर्फ दिखता है, ये आपका क्या होता है डेटा दिखता है, ये सिर्फ आता है सीआईडी है, ये सीआईडी ये जो हम मैं चाहता था कि जो हम मैं तो नाम चाहता ही नहीं था तो इसको हाइड कर दिया, और मैं चाहता हूँ कि जो नेम है नेम यहाँ ना दिखे, ये नेम हमारे सीआईडी के बाद दिखे, लेकिन ये क्या है ऑटोमेटिकली सारा अरेंज कर देता है। यहाँ पे स्लिप ऑफ फर्स्ट स्प्लिट है तो ये तो स्प्लिट कर देगा, मान लीजिए मैं देता हूँ एक दो तीन चार पाँच स्प्लिट कस्टम स्प्लिट, ये अपने आप हो जाता है, इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये फील्ड को उसके वैल्यू के हिसाब से अपने आप अरेंज कर देता है ना, वहां पे जाएगा तो इसमें से नंबर आटा अलग हटा देगा ये अलग हटा देगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास नेम आ गया हमारे पास आईडी आ गई ना, मैच नहीं करेगा वो क्या मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा नहीं आएगा, अगर वो नहीं आएगा नहीं वही कस्टमर के, देखिए यहाँ पे वही कस्टमर डिटेल्स आएंगे, वही सीआईडी का लिस्ट यहाँ शो करेगा जो सीआईडी कस्टमर में है ठीक है। अब मैं तीसरा करना चाहता हूँ प्रोडक्ट का, और इस प्रोडक्ट का मैं इससे प्रोडक्ट का मैं डेटा सोर्स से, सोर्स में हमने बोला डेटा सोर्स की पीआईडी प्रोडक्ट की आईडी है ठीक है, देखिए अब मेरा डेटा पूरा आ गया। अब मैं जो है तीनों डेटा के ऊपर चार्ट लगा सकता हूँ, यहाँ पे देखिए अलग अलग कर दिया, कस्टमर का सिटी नेम कर दिया, प्रोडक्ट की आईडी और प्रोडक्ट की आईडी दिख रहा है, मुझे आईडी नहीं चाहिए तो सो मैं आईडी प्रोडक्ट को हाइड कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पीआईडी तो है ही मेरे पास, अब मुझे पीआईडी क्या लेना देना, इसको भी हाइड कर देता हूँ, सीआईडी और पीआईडी तो नहीं चाहिए हमें, हमें तो इसके लिए समराइजेशन के लिए।
अब आराम से मैं यहाँ पे मुझे चाहिए सिटी वाइज, अब अमाउंट का टोटल, तो यहाँ पे ओके सिटी को कंसीडर नहीं कर रहा है वो। ओके कुछ देखे आपने सर क्या दिक्कत हुआ इसमें? रिलेशनशिप हमने जो रिलेशनशिप लगाया है वो रिलेशनशिप लगाया है बिटवीन सेल्स एंड प्रोडक्ट, बिटवीन सेल्स एंड कस्टमर, कस्टमर ठीक है ना जी। यहाँ पे आप कस्टमर टू सेल आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं। प्रोडक्ट टू सेल आप रिपोर्ट बना सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कस्टमर टू अमाउंट, माफ कीजिएगा कस्टमर टू प्रोडक्ट हो सकता है, तो बन सकती है। अब यहां पे सिटी टू अमाउंट करते हैं तो भी बन सकता है, तो सिटी रिकॉग्नाइज नहीं किया था उसने, अपनी रिपोर्ट्स को तैयार कर सकते हैं। जैसे सिटी टू अमाउंट है, लेकिन मुझे इस पे कैलकुलेशन भी चाहिए ना, जी तो मैं यहाँ पे एक फील्ड को ऐड करता हूँ, यहाँ पे हम करते हैं यहाँ पे टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, टैक्स निकालना है तो टैक्स निकाल सकते हैं, बाकी जो निकालना है वो भी निकाल सकते हैं, बाकी तो आप कर लेंगे आगे जी। ये इनर ज्वाइन होगा ना सर? हाँ इनर ज्वाइन होगा। अब डिफरेंस क्या है इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन में? तो इसमें इनर ज्वाइन में आप नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे इनर ज्वाइन में जी हाँ कि ये वो डेटा आपको दिख रहा है, यूनियन और इंटरसेक्ट नहीं पढ़ा था आपको, ये आपका डेटा है और ये आपका डेटा है राइट। मैं यहां लिखता हूं मान लीजिए ए है आपका और ये आपका बी है, क्या आप याद होगा पढ़ा होगा आपने कि ए यूनियन बी मतलब कि ओ डेटा इस पार्ट को दिखाएगा, सिर्फ इसको शो करेगा, मतलब वो डेटा जो दोनों में है। ओके यहां पे वो डेटा दिखेगा जो दोनों में है, समझे? आउटर ज्वाइन में होता है कि भाई इसका ए डेटा आउटर डेटा दिखेगा, ए डेटा नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है आपको ना, ये दिखा रहा होगा ये जी, दोनों में जो डेटा है वो दिख रहा है। अगर मैं एक काम करूं एक एक्सेल शीट को ओपन करता हूँ, कहाँ गया एक्सेल शीट? अब मान लीजिए कि मैं सेल्स में एक सेल्समैन करता हूँ, 301 302 सेवन नंबर पूरा सेवन नंबर है 52 और मैं सेवन नंबर तो है कस्टमर, मैं सेवन नंबर कस्टमर नहीं कस्टमर ही है ना, दस नंबर करता हूँ और जो प्रोडक्ट है वो आठ नंबर करता हूँ,
राइट। कस्टमर सीट में मैं यहाँ पे 10 नंबर और कस्टमर देता हूँ मैं प्रदीप, आप ही का नाम दे देता हूँ। हाँ से बोल दिया प्रोडक्ट में आठवां नंबर, आठवां प्रोडक्ट में हम यूज करते हैं मान लीजिए और एक फाइल होगा, ठीक है, और फाइल को सेव कर देता हूँ और यहाँ क्लोज हो गया जी। लाइव देता है हमारा, तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बाइस और क्वांटिटी का टोटल यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी का टोटल निकालता हूँ और डेटा ही लेता हूँ उसका। चलिए डेटा इसमें आपका प्रोजेक्टर नहीं है, मुझे एक बार डेटा को रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब मैं मोटर का सीट है इसको जी, इसको अपने आप हो जाना चाहिए था, होना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए था, ये बोला था मैं आपको। ये कनेक्शन इसके लिए अगर लाइव और इसके लिए इंटरनेट जरूरी होता है क्या लाइव के लिए? नहीं नहीं, लाइव जब कर देते हैं तो वो डेटा उसी से लिंक हो जाता है, लेकिन वो रिफ्रेश हो जाना चाहिए। रिफरेंस का सिस्टम नहीं है सर, अपने आप आ जाता है, पता ये क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, यहाँ के लिए रिफ्रेश हो जाता है, ये भी अपना अपडेट हो जाता है। आ गया ना, ठीक है, तो अब यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अगर मैं सीट को खोल यहाँ पे
अगर उसमें मैं डीडी के अंदर जाके अगर मैं किसी एक इसका हटा दिया, मान लीजिए तो सेल्स में अब 8 नंबर का प्रोजेक्ट हमने डाल दिया बट 8 नंबर का प्रोडक्ट नहीं है जी। शीट में अगर मैं रिफ्रेश करता हूं देखा सर, यहाँ पे से नहीं आना चाहिए, नहीं है, नहीं है ना जी। अच्छा अगर ऐसा हो जाए एक शीट में हो, कस्टमर शीट में है और प्रोडक्ट में नहीं है तो नहीं है ना, प्रोडक्ट में तो नहीं है, कस्टमर शीट तो है ही, तो वो कस्टमर वाला भी उड़ा देगा ना। तीनों तीनों लिख दिया तो नहीं आएगा। अगर मान लीजिए मैं प्रोडक्ट शीट को मैं वापस यहाँ रखता हूँ, प्रोडक्ट वन कर दे, इसमें इन ये आपका आउटर लिंक हो गया, अब मैं आउटर लिंक कर देता हूँ यहाँ पे, आउटर साइड दिख रहा है आपको। दिख रहा है, आ गया। ओके ठीक है, ठीक है ना। और फुल ज्वाइन में सारा आ गया, फुल ज्वाइन में दोनों में जो होंगे सो जाएंगे, इसमें एक में होगा, एक लेफ्ट होगा राइट होगा और ये आपका फुल आउटर होगा, फुल आउटर इसमें सब सब ही आ जाएगा ना। प्रैक्टिस कीजिए, कल हम इससे आगे बात करेंगे। चलो ठीक है सर, आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सर प्लीज याद करके। ठीक।